नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है रक्षाबंधन और ये मूवी आपको किस रोटी प्लेटफॉर्म पर विज़न चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं रक्षाबंधन एक दिन एक दिल को छू लेने वाली भारतीय पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा है जो भाई बहनों के बीच के खूबसूरत बंधनों को दर्शाती है आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार भूमि और प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा अभिनीत है यह फिल्म पारिवारिक गतिशीलता सामाजिक उपेक्षाओं और भाई बहनों की प्यारों की स्थायी की जटिलताओं को दर्शाती है रक्षाबंधन बंधन तैयार पृष्टु पर आधारित है ये फिल्म एक ऐसी भाई की कहानी है जो अपनी शादी से पहले अपनी चार बहनों की शादी करने के दिलों निश्चय करता है वित्तीय चुनौतियों और सामाजिक दबाव का सामना

अपनी मिश्रित प्रतिक्रिया के बावजूद ये फिल्म भारतीय सिनेमा परिदृश्यों के एक महत्वपूर्ण योगदान है जो पारिवारिक रिश्तों का परियोजित और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत करती है रक्षाबंधन एक दिल छू लेने वाली भारतीय पारिवारिक ड्रामा है जो भाई बहनों के बीच के खूबसूरत बंधनों को दर्शाती है रक्षाबंधन त्यौहार की पृष्ठभूमि पर आधारित ये फिल्म लाला नाम के एक भाई की कहानी है जो अपनी शादी से पहले अपनी चार बहनों की शादी करने का दृढ़ निश्चय करता है पितृ तो चुनौतियों और सामाजिक दबाव का सामना करते हुए वो प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है ये फिल्म परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा की दूल छू लेने वाली क्षणों और चुनौतियों से भरी छुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्बाओं की सहित तो विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं भाई-बहनों द्वारा किए और प्रेम की स्थाई शक्ति की शक्ति मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमा अनुभव बनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवन कर दिया है अक्षय कुमार लाला केदारनाथ अग्रवाल को, को है जो एक समर्पित भाई के जो अपनी से किया वादा पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है खुद से पहले अपनी चार बहनों की शादी करता उनकी विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पर लेकर चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खाशियों के गायत्री अग्रवाल भिन्न जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्रीकांत के भी लिखते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन अग्रवाल है जिसका किरदार कौर निभाया है साथ में यह प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षाबंधन ने पहले दिन एट पॉइंट टू जीरो करोड़ के समंधन घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दुष्ने दिन सिक्स पॉइंट फोर जीरो करोड़ की सुरे दिन 6.51 करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप 28.16 करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंतत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इस फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ का हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक यह समर्पित दर्शकों पर को आकर्षित करने की सम्मान हुए सुनहरे और, रंग के से क्रीक के और में लंबी हुई। डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों की एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगों की के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोर्च कि झूले मुद्री तकों की जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी लगा और आप हमेशा कप्तान से दफन जंगलों की की तलाश में समुद्र करते हैं उन्होंने हंसी के पल साझा उनकी बचपन की यादें एक गर्म लहर की तरह उन पर हब रही सारा और एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथी उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से नहीं निर्भर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था जिस से से बड़े होते हैं उनके जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया दूसरी ओर एक ने एक सामूहिक जीवन चुना और एक मैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद भी हमेशा जुड़े रहने की तरीके खोजते हैं पत्र लिखते कहानियों साझा करते और जब भी हो वीडियो करते हैं उनका संबंध उनके जीवन में निरंतर बना रहा आराम और समर्थन का स्रोत एक बिलो क्रीट के एक गर्मियों में में इतने यात्रा वापस आया जैसे जैसे भी एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था पहले तो वे झिझक रहे थे भाई बहनों के बीच एक रोमांटिक प्यार प्रेम का विचार वर्जित था एक अर्जित फल जिसे उन्होंने कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें गैर अभिष्रणियों सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान रह गई उन्हें एथन से इस तरह प्यार करने की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन जब उसने उसके शब्दों को चुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी उसकी भावनाओं से मिलती जुलती थी मैं भी, भी तुमसे प्यार करता हूँ एथन उसने पुष्पुस यह कहा कि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया उनकी बस समझ नहीं पाए लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और के लिए दिलों थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की खिड़की छोड़ने के एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया बेदूर के शहर में गांव जहां वे नए के डर के बिना रह सकते थे जहां उन्होंने एक साथ एक नया जीवन बनाया जो प्यार हंसी और से भरा था उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि यह सबसे प्रत्याशा जगह पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया की दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते बल्कि उन लोगों के बीच होते हैं जो दिल का संबंध साझा करने हैं परिवार दोस्ती और पेशेवर आकांक्षाओं के धोखे से बुना हुआ उसके दिल उसके करियर उनके सबसे अच्छे दोस्त के लिए थे अनुभवों और अवसरों के लिए खुले रखना थे रखनाजा था लेखक ने तर्क दिया कि अप्रत्याशित को गले लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं तो जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगे पुस्तक से संदेश के प्रेरित होकर नए के अपने सप्ताहांतर की छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब नए की गांव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घुंघराले बाल और सारथी मुस्कान वाले एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मियात की भावना से भर रही थी के तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीर ने बजाना शुरू कर दिया शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वह युवक के पास गई खुद को न्याय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वो एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर

के गांव में अपने प्रवाह उसको बढ़ाने का फैसला किया उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और वहां स्थायी रूप से रोकने की संभावना तलाशने लगी रोमांटिक था और उसने जो कभी भी फैसले किया उसने किसका मनमर्थन करने का वादा किया जैसे जैसे नए अपने नए जीवन के बस्ती रह गई से एहसास हुआ कि एथन के साथ उसकी मुलाकात सहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक तो जब की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो बिजारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के भरा था उसकी कोमल मुकान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्तता से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी अन्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था और उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत साझा सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता है गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है कि इसकी उसे तलाश थी हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उसे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकारी फोन कॉल आया उसका छोटा भाई अलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया उलट हो अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची एलेक्स का ठीक होना एक लंबी और कठिन यात्रा थी जो अनिश्चितता से से भरी थी न कि उसने बिस्तर के पास अनगिनत घंटे बिताए उसका दिल चिंता से पड़ा रहा था इस अनिश्चित एक अलादा और समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में न्याय की मिलने गया उसके डर को सुना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है यह फिल्म परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा के दूर छू लेने वाली क्षणों और चुनौतियों से भरी हुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्बाओं की सहित तो विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों की जटिलता द्वारा त्याग और प्रेम की स्थायी शक्ति की मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमा अनुभव बनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवन कर दिया है अक्षय कुमार लाला केदारनाथ अग्रवाल को को है जो एक है। समर्पित भाई के जो अपनी अदरनाथ से में वादा पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है खुद से पहले अपनी चार बहनों की शादी करता है उनके विपरीत सपनों गुप्तों के रूप में भूमि पेटने चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खासियों के गायत्री अग्रवाल भिन्नू जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्रीकांत भी लिखते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन रहस्यमय अग्रवाल है जिसका किरदार सहन कौर ने निभाया है साथ में ये प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षा बंधन ने पहले दिन एट करोड़ के सम्मानजनक घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दूसरे दिन सिक्स जीरो करोड़ के तीसरे दिन सिक्स करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थियेटर प्रदर्शन जारी रखा अंतत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इस फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ का हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक यह समर्पित दर्शकों को आकर्षित करने की सम्मानजनक राजस्व उत्पन्न करने की सफल रही है के हुए और रंग के से क्रीक के में लंबी नाचती हुई परछाइयों डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों के लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झोंगियारों की के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोर्च कि झूले मुद्री तकों की, की जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी ठकाया और आप हमेशा से दफन की में की करते उन्होंने सारा उन और अथन एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथी उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से नहीं बरकर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था ऐसे ऐसे बड़े होते हैं उनके जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसी और एक, एक सामूहिक जीवन चुना और एक मैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद भी हमेशा जुड़े रहने के तरीके खोजते हैं लिखते कहानियों साझा करते और जब भी हो वीडियो चैट करते हैं उनका संबंध उनके जीवन में निरंतर बना रहा आराम और समर्थन का स्रोत एक एतन बिलो क्रीट के एक गर्मियों में में के यात्रा वापस आया जैसे जैसे भी एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने

अभसर सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान रह गई उन्हें एथन से इस तरह प्यार करने की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन जब उसने उसके शब्दों को चुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी भावनाएं उसकी भावनाओं से मिलती जुलती थी मैं भी, भी तुमसे प्यार करता हूँ एथन उसने पुसपुस पुस ये कहा कि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया उनकी उन्नत बस समझ नहीं पाए लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और लड़ने के लिए दिल थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की खिड़की छोड़ने के एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया बेदूर के शहर में गांव जहां जहां वे नए के के डर बिना रह सकते थे जहां उन्होंने एक साथ एक नया जीवन बनाया जो प्यार हंसी और से भरा था उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि यह सबसे प्रत्याशा जगहों पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया

जीवन की ओर ले जाएंगी। पुस्तक से संदेश के प्रेरित होकर न्याय के अपने सप्ताहांतर की छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशाहित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब न्याय की गाँव से टहल रही थी तो उसने पास के पद से मिटार की आवाज़ सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घुंघराले बाल और शरारती एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मियात की भावना से भर रही थी नायकी तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीर ने गलियों अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वो युवक के पास गई खुद को न्याय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वो एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर पब में प्रदर्शन करता था अगले सुबह दिनों में के के एक साथ घंटे बिताए को खोज की कहानियों साझा की और बस एक दूसरे की कंपनी का अंदर लिया उनका संबंध विवाद था एक चिंगारी जो उनके बीच तीव्रता से प्रज्वलित हुई थी दोनों एक आश्चर्य हुआ आत्मा ने खुद को एथन के लिए सिर से वहा प

कभी भी नहीं मिला कोई ऐसा जो उसे इतना जीवंत कर इतना प्यार महसूस कर सके उद्देश्यों की एक से रोकने की संभावना तलाशने लगी रोमांटिक था और उसने जो कभी भी फैसले किया उसने इसका समर्थन करने का वादा किया जैसे जैसे नए अपने नए जीवन के बस्ती रह गई से एहसास हुआ कि एथन के साथ उसकी मुलाकात असहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक दोपहर तो जब की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठे थे आदमी पर पड़ी जो बिजारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के बड़ा था उसकी कोमल मुकान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्तर से आत्मा उनके कथन ने उसकी कुछ जिसकी अन्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है कि इसकी उसे तलाश थी हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उसे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकारी फोन कॉल आया उसका छोटा भाई एलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया उलट हो अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची एलेक्स का ठीक होना एक लंबी और कठिन यात्रा थी थी जो अनिश्चितता और से भरी थी। उसने बिस्तर के पास अनगिनत घंटे बिताए उसका दिल चिंता से रहा था इस एक अलादा और समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में न्याय की मिलने गया उसके डर को चूना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है यह फिल्म परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा के दूल छू लेने वाले क्षणों और चुनौतियों से भरी छुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्विधाओं की सहित तो विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है क्षमांकन पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं भाई बहनों द्वारा किए कि गए त्याग और प्रेम की स्थाई शक्ति की मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमाई अनुभव प्रदान करते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा और क्षमांकन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवंत अक्षय कुमार लाला केदारनाथ अग्रवाल को, को के के बहनों की शादी करता उनके विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पेनेकर चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खाशियों के गायत्री अग्रवाल जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्रीकांत के भी लिखते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन अग्रवाल है जिसका किरदार सहन कौर ने निभाया है साथ में यह प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षाबंधन ने पहले दिन एट पॉइंट टू जीरो करोड़ के सम्मानजनक घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दूसरे दिन सिक्स पॉइंट फोर जीरो करोड़ की पिछले दिन 6.51 करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंतर भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इससे फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक यह समर्पित दर्शकों पर सम्मानजनक राजस्व उत्पन्न करने की सफल रही है परछाइयों डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों के लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगियरों की के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोर्च कि झूले मुद्री तकों के जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी लगा और आप हमेशा कप्तान से दफन की तलाश में समुद्र की करते हैं उन्होंने हंसी के पल साझा उनकी बचपन की यादें एक गर्म लहर की तरह उन पर हब रही सारा और अथन एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथी उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से नहीं बरकर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था ऐसे ऐसे बड़े होते हैं उनके जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने था क्षेत्र में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसी ओर एक सामान्य एक जीवन चुना और एक मैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद भी हमेशा जुड़े रहने के तरीके खोजते हैं लिखते कहानियों साझा करते, करते हैं जैसे जैसे भी एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें गैर अफसर सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे, थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान रह गई उन्हें एथन से इस तरह प्यार करने की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन जब उसने उसके शब्दों को चुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी भादना, उसकी भावनाएं भावनाओं से मिलती जुलती थी मैं भी, भी तुमसे प्यार करता हूं एथन उसने पुसपुस ये कहा कि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया उनकी बस समझ नहीं पाए लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और लड़ने के लिए दिल थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की छोड़ने की एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया दूर के में जहां वे के लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि यह सबसे प्रत्याशायित जगह पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया का दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते हैं। बल्कि उन लोगों के बीच होते हैं जो दिल का गहरा संबंध साझा करने हैं परिवार दोस्ती और पेशेवर आकांक्षाओं के धोखे से बना हुआ उसके दिल, उसके बेस्ट को करियर उनके सबसे अच्छे दोस्त के लिए थे अनुभवों और, और अवसरों के लिए खुले रखना थे अतिजा था लेखक तर्क दिया कि को प्रत्याशा को गले लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं तो जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगे पुस्तक से संदेश प्रेरित होकर न्याय के अपने सप्तांतर की छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशा को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब न्याय की गाँव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घुंघराले बाल और शरारती मुस्कान वाले एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मयात की भावना से भर रही थी नाई के तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीर ने गलियों बजाना शुरू कर दिया नए कि उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वह युवक के पास गई खुद को नए के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वह एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर पब में प्रदर्शन करता था अगले सुबह दिनों में नह के अथन के एक साथ घंटे बिताए इलाकों को खोज की कहानियों साझा की और बस एक दूसरे की कंपनी का अंदर लिया उनका संबंध रविवाद था एक चिंगारी जो उनके बीच तीव्रता से प्रज्वलित हुई थी दोनों एक आश्चर्य हुआ आत्मा ने खुद को एथन के लिए सिर से वहाँ पाओ

कभी भी नहीं मिला कोई ऐसा जो उसे इतना जीवंत कर इतना प्यार महसूस कर सके रोकने की संभावना तलाशने लगी रोमांटिक था और उसने जो कभी भी फैसले किया उसने इसका समर्थन करने का वादा किया जैसे जैसे नए अपने नए जीवन के बस्ती रह गई से एहसास हुआ के साथ उसकी मुलाकात एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी ये एक घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक तो जब न्याय की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठे आदमी पर पड़ी जो बीचारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के बड़ा था उसकी कोमल मुकान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्ताकता से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी अन्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था और उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत साझा सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है कि उसकी उसे तलाश थी हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उसे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकारी फोन कॉल आया उसका छोटा भाई एलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया गलट पलट हो गए अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची

टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा की दुल छू लेने वाली क्षणों और चुनौतियों से भरी हुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्विधाओं की सहित तो विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं भाई बहनों द्वारा किए कि गए त्याग और प्रेम की स्थायी शक्ति की मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमाई अनुभव बनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा और रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवन कर दिया है अक्षय कुमार लाला केदारनाथ अग्रवाल को को है अपनी चार बहनों की शादी करता उनके विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पेटने चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खाशियों के गायत्री अग्रवाल भिन्नों जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्रीकांत भी लेते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन रहस्यमय अग्रवाल है जिसका किरदार सहन कौर ने निभाया है साथ में यह प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षाबंधन ने पहले दिन एट पॉइंट टू जीरो करोड़ के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दूसरे दिन सिक्स पॉइंट फोर जीरो करोड़ की पिछले दिन 6.51 करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इससे फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ के हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक ये समर्पित दर्शकों पर सम्मानजनक राजस्व उत्पन्न करने की सफल रही है परछाइयों डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों के लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगियरों की के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोर्च कि झूले मुद्री तकों की जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी लगा और आप हमेशा से दफन की में करते उन्होंने के पल के उनकी की एक गर्म लहर की तरह उन पर हब रही। सारा और अथन एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथी उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से नहीं बरकर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था से से बड़े होते हैं उनके जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसकी ओर एक, एक सामूहिक जीवन चुना और एक मैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद भी हमेशा जुड़े रहने के तरीके खोजते हैं लिखते कहानियों साझा करते, करते हैं उनका के एक यात्रा वापस आया। जैसे भी एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था। पहले तो वे भाई बहनों के बीच एक रोमांटिक प्यार प्रेम का विचार वर्जित था एक अर्जित फल जिसे उन्होंने कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें गैर अवसर सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान रह गई उन्हें एथन से इस तरह प्यार करने की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन जब उसने उसके शब्दों को चुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी भावना उसकी भावनाओं से मिलती जुलती थी मैं भी, भी तुमसे प्यार करता हूँ एथन उसने पुसपुस पुस यह कहा कि उसकी आवाज को मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया उनकी बस समझ नहीं पाए लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और लड़ने के लिए दिलों थे, वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की खिड़की छोड़ने के एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया बेकदूर के शहर में गांव जहां वे नए के डर के बिना रह सकते थे जहां उन्होंने एक साथ एक नया जीवन बनाया जो प्यार हंसी और मांस से भरा था उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि यह सबसे प्रत्याशायित जगह पर लिखी गई थी और उन्होंने की दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते हैं। बल्कि उन लोगों के बीच होते हैं जो दिल का गह संबंध साझा करने हैं परिवार दोस्ती और पेशेवर आकांक्षाओं के धोखे से बुना हुआ उसके दिल उसके वयस्कों करियर उनके सबसे अच्छे दोस्त के लिए थे अनुभवों और, और अवसरों के लिए खुले रखना थे नतीजा था लेखक ने तर्क दिया कि अप्रत्याशित को गले लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं तो जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगी पुस्तक से संदेश के प्रेरित होकर नायक के अपने सप्ताहांतर के छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशाहित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब नायक की गांव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज़ सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घुगराले बाल और शहारती मुस्कान वाले एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मयाद की भावना से भर रही थी के तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीड़ ने गलियों बजाना शुरू कर दिया नय कि उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वह युवक के पास गई खुद को नय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वह एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर पब में प्रदर्शन करता था अगले सुबह दिनों में नहीं कि अथन के एक साथ घंटे बिताए को खोज की कहानियों साझा की और बस एक दूसरे की कंपनी का अंदर लिया उनका संबंध विवाद था एक चिंगारी जो उनके बीच तीव्रता से प्रज्वलित हुई थी दोनों एक आश्चर्य हुआ आत्मा ने खुद को एथन के लिए सिर से वहा प

असहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक दोपहर तो जब की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो बीचारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के भरा था उसकी कोमल मुकान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्ताकता से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी अन्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था और उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत साझा सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है कि इसकी उसे तलाश थी हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उसे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकारी फोन कॉल आया उसका छोटा भाई एलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया गलट गलट हो अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची अलेक्स का होना एक और थी जो था से भरी थी। उसने के पास अलादा समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में न्याय की मिलने गया उसके डर को चुना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है यह फिल्म परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए प्रत्येक शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा की दूल छू लेने वाली क्षणों और चुनौतियों से भरी छुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्बाओं की सहित तो विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है धन पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं भाई-बहनों द्वारा किए त्याग और प्रेम की स्थाई शक्ति की शक्ति मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमा अनुभव बनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा और रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी कर दिया है अक्षय कुमार लाला के पहले अग्रवाल को बहनों की शादी करता उनके विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पे ने चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खाशियो के गायत्री अग्रवाल भिन्न जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्रीकांत के भी लिखते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन रहस्यमय अग्रवाल है जिसका किरदार सहनिया कौर ने निभाया है साथ में ये प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षा बंधन ने पहले दिन एट करोड़ के सम्मानजनक घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दूसरे दिन सिक्स पॉइंट करोड़ की तीसरे दिन सिक्स करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंतत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी 8.76 करोड़ की कमाई की इस फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ का हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक ये समर्पित दर्शकों पर को आकर्षित करने की सम्मानजनक राजस्व उत्पन्न करने की सफल रही है के हुए और सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों के लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगियरों की अच्छा के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोर्च कि झूले मुद्री तकों की जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी लगा और आप हमेशा से दफन की में करते उन्होंने उन पर हब रही। सारा और अथन एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथी उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से नहीं बरकर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था से से बड़े होते हैं उनके जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसी ओर एक ने एक सामान्य जीवन चुना और एक मैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद भी हमेशा जुड़े रहने की तरीके खोजते हैं लिखते कहानियों साझा करते, करते हैं जैसे भी एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था पहले तो वे झिझक रहे थे भाई बहनों के बीच एक रोमांटिक प्यार प्रेम का विचार वर्जित था एक अर्जित फल जिसे उन्होंने कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें अवसरणी सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान रह गई उन्हें एथन से इस तरह प्यार करने की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन जब उसने उसके शब्दों को चुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी भावना उसकी भावनाओं से मिलती जुलती थी मैं भी, भी तुमसे प्यार करता हूँ एथन उसने पुष्पुस ये कहा कि उसकी आवाज को मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया उनकी बस समझ नहीं पाए लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और लड़ने के लिए दिल थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की खिड़की छोड़ने के एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया बेदूर के शहर में गांव जहां वे नए के डर के बिना रह सकते थे जहां उन्होंने एक साथ एक नया जीवन बनाया जो प्यार हंसी और से भरा था उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि यह सबसे प्रत्याशी जगह पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया

रास्तों की खोज कर सकते हैं तो जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगे तय किया है एक शाम जब न्याय की गाँव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घुगराले बाल और सहारती मुस्कान वाले एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मियात की भावना से भर रही थी नायकी तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीड़ ने गलियों बजाना शुरू कर दिया न कि उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वो युवक के पास गई खुद को न्याय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वो एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर

समाप्त होने लगा था न्याय को पता था कि वो एथन को पीछे छोड़ना निर्देशन नहीं कर सकती है उनके अपनी भावनाओं को को उसके उसके सामने कबूल किया उसका दिल उसकी छाती धड़क रहा था क्योंकि वो जवाब का इंतजार कर रही थी उसके खुशी के लिए एथन के भी वैसा ही महसूस किया उसने उसे बताया कि वो उसके जैसा किसी से कभी भी नहीं मिला कोई ऐसा जो उसे इतना जीवंत कर इतना प्यार महसूस कर सके उद्देश्यों की एक नई भाइयों के साथ नए के गांव में अपने उसको बढ़ाने का फैसला किया उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और वहां स्थायी रूप से रोकने की संभावना तलाशने लगी रोमांटिक था और उसने जो कभी भी फैसले किया उसने उसका समर्थन करने का वादा किया जैसे जैसे नए अपने नए जीवन के बस्ती रह गई ये से एहसास हुआ कि एथन के साथ उसकी मुलाकात सहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक तो जब की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो बीचारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के भरा था उसकी कोमल मुक्कान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्ताकता से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी न्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है कि इसकी उसे तलाश थी हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उससे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकाली फोन कॉल आया उसका छोटा भाई एलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया गलट पलट हो गई अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची एलेक्स का ठीक होना एक लंबी और कठिन यात्रा थी जो अनिश्चितता से भरी थी न कि उसने बिस्तर के पास अनगिनत घंटे बिताए उसका दिल चिंता से पड़ा रहा था इस दौरान एक अलादा समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में न्याय की मिलने गया उसके डर को सुना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है यह फिल्म परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा के दूर छू लेने वाली क्षणों और चुनौतियों से भरी छुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्बाओं की सहित तो विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों की जटिलता खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमा अनुभव बनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवंत कर दिया है रक्ष अक्षय कुमार लाला अग्रवाल को, को है जो एक समर्पित भाई के जो अपनी से किया वादा पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है खुद से पहले अपनी चार बहनों की शादी करता उनके विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पे ने चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खाशियों के गायत्री अग्रवाल भिन्न जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में सीबी श्रीकांत भी, भी लेते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन अग्रवाल है जिसका किरदार कौर निभाया है साथ में यह प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की, की जटिलता और भाई बहनों बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षाबंधन ने पहले दिन एट पॉइंट टू जीरो करोड़ के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दूसरे दिन सिक्स पॉइंट फोर जीरो करोड़ की तीसरे दिन 6.51 करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इस फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ के हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक यह समर्पित दर्शकों पर को आकर्षित करने की नाचती हुई परछाइयों डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों के लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगियरों की के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस कि झूले मुद्री तकों की जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई करते हैं उन्होंने सारा और एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथ उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार में से नहीं बरकर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके जीवन में अलग-अलग रास्ते लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चिकित्सा क्षेत्र तो में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसी और एक एक सामान्य जीवन चुना और वैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद भी हमेशा जुड़े रहने की तरीके के तरीके खोजते हैं कहानियों स्रोत एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था पहले जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें अवसरणी सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान से, तो कि उसकी उसकी से मिलती जुलती थी मैं भी, भी तुमसे प्यार करता हूँ एथन उसने पुष्पुश यह कहा कि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया बस समझ नहीं पाए। लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और रण के लिए दिल थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की खिड़की छोड़ने के एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया बेकदूर के शहर में गांव जहां वे नए के डर के बिना रह सकते थे जहां उन्होंने एक साथ एक नया जीवन बनाया जो प्यार हंसी और से भरा था उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि यह सबसे प्रत्याशा जगह पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया की दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते हैं, बल्कि उन लोगों के बीच होते हैं जो दिल का साझा करने हैं परिवार, दोस्ती और नतीजा उसके उसके दोस्त था लेखक तर्क दिया कि आप को गले लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगी पुस्तक से संदेश के प्रेरित होकर नए के अपने सप्तांतर के छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब नए की गांव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घराले बाल और शरारती एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मियात की भावना से भर रही थी नायकी तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया ने गलियों बजाना शुरू कर दिया कि उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वो युवक के पास गई खुद को न्याय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वो एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर पब में प्रदर्शन करता था अगले सुबह दिनों में नह के अथन के एक साथ अनगिनत घंटे बिताए प्रमिन इलाकों को खोज की कहानियों साझा की और बस एक दूसरे की कंपनी का अंदर लिया उनका संबंध रिवाद था एक चिंगारी जो उनके बीच तीव्रता से प्रज्वलित हुई थी दोनों एक आश्चर्य हुआ आत्मा ने खुद को एथन के लिए सिर से वहाँ पाँव

कभी भी नहीं मिला कोई ऐसा जो उसे इतना जीवंत कर इतना प्यार महसूस कर सके उद्देश्यों की एक रूप से रोकने की संभावना तलाशने लगी रोमांटिक था और उसने जो कभी भी फैसले किया उसने किसका मतन करने का वादा किया जैसे जैसे नए अपने नए जीवन के बस्ती ले गई ये एहसास हुआ के साथ उसकी मुलाकात सहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी इसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक तो जब न्याय की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो बिजारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के भरा था उसकी कोमल मुकाम ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्ताकता से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी न्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था और उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है तलाश थी हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उससे जैसी रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकाली फोन कॉल आया उसका छोटा भाई अलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया ललट पलट हो गए अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची नलेक्स का ठीक होना एक लंबी और कठिन यात्रा थी जो अनिश्चितता और भय से भरी थी न कि उसने बिस्तर के पास अनगिनत घंटे बिताए उसका दिल चिंता से भरा रहा था इस दौरान एक अलगाव और समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में नयकी मिलने गया उसके डर को सुना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है यह फिल्म परिवार के सदस्यों के तैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा के दूर छू लेने वाली क्षणों और चुनौतियों से भरी हुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्बाओं की सहित तो विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षमंदन पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं भाई बहनों द्वारा किए कि गए त्याग और प्रेम की स्थाई शक्ति की मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमाई अनुभव प्रदान हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा और रक्षमंदन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवन कर दिया है अक्षय कुमार लाला केदारनाथ अग्रवाल को में को जो एक समर्पित भाई के जो अपनी अदरनाथ से में वादा पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है खुद से पहले अपनी चार बहनों की शादी करता है उनके विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पे ने चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खाशियों के गायत्री अग्रवाल भिन्न जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्रीकांत भी लेते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन रहस्यमय अग्रवाल है जिसका किरदार सहन कौर निभाया है साथ में ये प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षाबंधन ने पहले दिन एट पॉइंट टू जीरो करोड़ के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दुष्ने दिन सिक्स पॉइंट फोर जीरो करोड़ की तीसरे दिन 6.51 करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंतत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इस फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ के हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक यह समर्पित दर्शकों पर को आकर्षित करने की सम्मान जनक सुनहरे और नंगी रंग परछाई डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों की लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगियरों की भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोरच कि झूले मुद्री तकों की जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी कप्तान से की करते हैं उन्होंने सारा और एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के विभाग जो साथी उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से निर्भर कर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था ऐसे ऐसे बड़े होते हैं, उनके जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चिकित्सा क्षेत्र तो में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसी ओर एक, एक सामूहिक जीवन चुना और एक मैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद भी हमेशा जुड़े रहने के तरीके खोजते हैं पत्र लिखते कहानियों साझा करते और जब भी हो वीडियो चैट करते हैं उनका संबंध उनके जीवन में निरंतर बना रहा आराम और समर्थन का स्रोत एक एतन बिलो क्रीट के एक गर्मियों में में के यात्रा वापस आया जैसे जैसे भी एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था पहले तो जिसे उन्होंने कभी की नहीं की थी। लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें हैसरणी सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे

बस समझ नहीं पाए लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और लड़ने के लिए दिल थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की छोड़ने के एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया बेदूर के शहर में गांव जहां जहां वे नए के के डर बिना रह सकते थे जहां उन्होंने एक साथ एक नया जीवन बनाया जो प्यार हंसी और से भरा था उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि यह सबसे प्रत्याशा जगहों पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया की दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते हैं, बल्कि उन लोगों के बीच होते हैं जो दिल का गहरा संबंध साझा करने हैं परिवार दोस्ती और पेशेवर आकांक्षाओं के धोखे से बना हुआ उसके दिल उसके बेस्ट को करियर उनके सबसे अच्छे दोस्त के लिए थे अनुभवों और अवसरों के लिए खुले रखना थे अतिजा था लेखक तर्क दिया कि अप्रत्याशित को गले लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं तो जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगे पुस्तक से संदेश प्रेरित होकर नए के अपने सप्ताहांतर की छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब नय की गाँव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घुंघराले बाल और शरारती गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मियात की भावना से भर रही थी नायकी तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीर ने गलियों बजाना शुरू कर दिया न कि उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वो युवक के पास गई खुद को न्याय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वो एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर पब में प्रदर्शन करता था अगले सुबह दिनों में नह के के एक साथ घंटे बिताए को खोज की कहानियों साझा की और बस एक दूसरे की कंपनी का अंदर लिया उनका संबंध विवाद था एक चिंगारी जो उनके बीच तीव्रता से प्रज्वलित हुई थी दोनों एक आश्चर्य हुआ आत्मा ने खुद को एथन के लिए सिर से वहा प

कभी भी नहीं मिला कोई ऐसा जो उसे इतना जीवंत कर इतना प्यार महसूस कर सके उद्देश्यों की एक से रोकने की संभावना तलाशने लगी रोमांटिक था और उसने जो कभी भी फैसले किया उसने किसका समर्थन करने का वादा किया जैसे जैसे नए अपने नए जीवन के बस्ती रह गई से एहसास हुआ कि एथन के साथ उसकी मुलाकात असहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक दोपहर तो जब न्याय की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो बीचारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के भरा था उसकी कोमल मुकान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्ताकता से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी अन्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था और उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत साझा सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता है गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है किसकी उसे तलाश थी हालांकि किस्मत कि कुछ और ही मंजूर था उसे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकारी फोन कॉल आया उसका छोटा भाई अलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया उलट पलट हो गए अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची एलेक्स का ठीक होना एक लंबी और कठिन यात्रा थी जो अनिश्चितता और भय से भरी थी न कि उसने बिस्तर के पास अनगिनत घंटे बिताए उसका दिल चिंता से पड़ा रहा था इस फौरन एक अलगाव और समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में न्याय की मिलने गया उसके डर को सुना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है ये फिल्म परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा के दूर छू लेने वाले क्षणों और चुनौतियों से भरी छुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्बाओं की सहित तो विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों की जटिलता भाई बहनों द्वारा किए कि त्याग और प्रेम की स्थायी शक्ति की मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमा अनुभव वनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवन कर दिया है अक्ष, कुमार लाला केदारनाथ अग्रवाल को में खुद से पहले अपनी चार बहनों की शादी करता उनकी विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पेनेकर चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खाशियों के गायत्री अग्रवाल भिन्न जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्री श्रीकांत भी लिखते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन अग्रवाल है जिसका किरदार सहन कौर निभाया है साथ में ये प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षाबंधन ने पहले दिन एट करोड़ के सम्बंधन घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दुष्ने दिन सिक्स पॉइंट फोर जीरो करोड़ की पिछले दिन 6.51 करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंतर भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इस फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ के हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक ये समर्पित दर्शकों बल को आकर्षित करने की सम्मानजनक करने की सफल रही परछाइयों डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों के लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगियरों की के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोर्च कि झूले मुद्री तको के जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी लगा और आप हमेशा कप्तान से दफन जंगलों की तलाश में समुद्र की करते हैं उन्होंने हंसी के पल साझा उनकी बचपन की, की यादें एक गर्म लहर की तरह उन पर रही सारा और अथन एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथ उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से नहीं बरकर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था जिस से बे बड़े होते हैं उनके जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चित था क्षेत्र तो में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसी और एक एथन ने एक सार्वजनिक जीवन चुना और एक वैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद भी हमेशा जुड़े रहने के तरीके खोजते हैं लिखते कहानियों करते और जब भी साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें गैर अफसर सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान रह गई उन्हें एथन से इस तरह प्यार करने की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन जब उसने उसके शब्दों को चुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी उसकी भावनाएं भावनाओं से मिलती जुलती थी मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ पुसपुछ यह कहा कि उसकी आवाज को मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया उनकी अन बस समझ नहीं पाए, लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और लड़ने के लिए दिलों थे, वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की छोड़ने की एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया दूर के में जहां के लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि ये सबसे प्रत्याशायित जगहों पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया की दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते हैं। बल्कि उन लोगों के बीच होते हैं जो दिल का गह संबंध साझा करने हैं परिवार दोस्ती और पर आकांक्षाओं के धोखे से बुना हुआ उसके दिल उसके बेस्ट को करियार उनके सबसे अच्छे दोस्त के लिए थे अनुभवों और अवसरों के लिए खुले रखना थे नतीजा था लेखक ने तर्क दिया कि आप को गले लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं तो जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगे पुस्तक से संदेश के प्रेरित होकर नए के अपने सप्ताहांतर के छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशाहित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब नए की गांव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज़ सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया बाल और मुस्कान वाले एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मियात की भावना से भर रही थी नायकी तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीर ने गालियों बजाना शुरू कर दिया न कि उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वो युवक के पास गई खुद को न के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वो एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर

समाप्त होने लगा था न्याय को पता था कि वो एथन को पीछे छोड़ना निर्दर्शन नहीं कर सकती है उनकी अपनी भावनाओं को उसके सामने कबूल किया उसका दिल उसकी छाती को धड़क रहा था क्योंकि वो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी उसकी दोषी खुशी के लिए एथन के भी वैसा ही महसूस किया उसने उसे बताया कि वो उसके जैसा किसी से कभी भी नहीं मिला कोई ऐसा जो उसे इतना जीवंत कर इतना प्यार महसूस कर सके उद्देश्य की एक नई भाइयों के साथ के गांव में अपने उसको बढ़ाने का फैसला किया उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और वहां स्थायी रूप से रोकने की संभावना तलाशने लगी रोमांटिक था और उसने जो कभी भी फैसले किया उसने इसका मनमर्थन करने का वादा किया जैसे जैसे नए अपने नए जीवन के बस्ती रह गई ये से एहसास हुआ कि एथन के साथ उसकी मुलाकात सहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक तो जब की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो बिजाड़ों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के बड़ा था उसकी कोमल मुकान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्तर से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी अन्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत साझा सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है कि उसकी उसे तलाश थी हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उसे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकारी फोन कॉल आया उसका छोटा भाई एलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया गलट गलट हो अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची अलेक्स का होना एक और कठिन यात्रा एक, एक अलादा और समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में न्याय की मिलने गया उसके डर को चूना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है यह फिल्म परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा की दूल छू लेने वाली क्षणों और चुनौतियों से भरी हुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्विधाओं की सहित तो विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं भाई-बहनों द्वारा किए कि त्याग और प्रेम की स्थायी शक्ति की मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमा अनुभव बनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा और रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवंत कर दिया है रक्ष, कुमार लाला केदारनाथ अग्रवाल को है खुद से पहले अपनी चार बहनों की शादी करता उनकी विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पेनेकर चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खाशियों के गायत्री अग्रवाल भिन्नों जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में के भी लिते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन रहस्यमय अग्रवाल है जिसका किरदार सहनिया कौर निभाया है साथ में ये प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षा बंधन ने पहले दिन एट करोड़ टू के समझन घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दूसरे दिन सिक्स पॉइंट करोड़ की तीसरे दिन सिक्स पॉइंट करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इससे फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ का हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक ये समर्पित दर्शकों बड़ को आकर्षित करने की सम्मानजनक राजस्व उत्पन्न करने की सफल रही है परछाई डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों की लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगियरों की अच्छा के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोर्च कि झूले मुद्री तकों की जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी ठकाया लगा और आप हमेशा सारा और अथन एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथी उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से नहीं बरकर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था से से बड़े होते हैं, उनके जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसी ओर एक एथन ने एक सार्वजनिक जीवन चुना और एक वैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद भी हमेशा जुड़े रहने के तरीके खोजते हैं लिखते कहानियों साझा करते, करते हैं उनका के एक यात्रा वापस आया। जैसे भी एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था पहले तो वे झिझक रहे थे भाई बहनों के बीच एक रोमांटिक प्यार प्रेम का विचार वर्जित था एक अर्जित फल जिसे उन्होंने कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें अवसरणी सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान रह गई उन्हें एथन से इस तरह प्यार करने की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन जब उसने उसके शब्दों को चुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी भावनाएं उसकी भावनाओं से मिलती जुलती थी मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ एथन उसने पुसपुस पुस यह कहा कि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया उनकी बस समझ नहीं पाई लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और रण के लिए दिलुन थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की खिड़की छोड़ने के एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया दूर के 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 शहर में गांव जहां जहां वे नए डर बिना रह सकते थे जहां उन्होंने एक साथ एक साथ नया जीवन बनाया जो प्यार हंसी और मांस से भरा था उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि ये सबसे प्रत्याशित जगहों पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया की दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते, होते हैं जो दिल का परिवार दोस्ती अनुभवों और उसके उसके अवसरों के, के लिए खुले रखना थे था लेखक तर्क दिया कि अप्रत्याशित को गले लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगे पुस्तक से संदेश के प्रेरित होकर नए के अपने सप्ताहांतर के छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशाहित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब नए की गांव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज़ सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज़ का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घुगराले बाल और सहारती मुस्कान वाले एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मयात की भावना से भर रही थी नायकी तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीड़ ने गलियों बजाना शुरू कर दिया न कि उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वह युवक के पास गई खुद को न्याय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वो एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर पब में प्रदर्शन करता था अगले सुबह दिनों में नए कथन एथन के एक साथ अनगिनत घंटे बिताए प्रवीण इलाकों को खोज की कहानियों साझा की और बस एक दूसरे की कंपनी का अंदर लिया उनका संबंध विवाद था एक चिंगारी जो उनके बीच तीव्रता से प्रज्वलित हुई थी दोनों एक आश्चर्य हुआ आत्मा ने खुद को एथन के लिए सिर से वहाँ पाँव

असहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक दोपहर तो जब की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो बीचारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के बड़ा था उसकी कोमल मुकान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्ताकता से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी अन्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था और उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत साझा सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है कि इसकी उसे तलाश थी हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उसे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकारी फोन कॉल आया उसका छोटा भाई एलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया गलट गलट हो अपने भाई के पहुंची और अलादा समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में न्याय की मिलने गया उसके डर को चूना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है यह फिल्म परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा की दूल छू लेने वाली क्षणों और चुनौतियों से भरी छ हुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्बाओं की सहित तो विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों की जटिलता द्वारा किए गए त्याग और प्रेम की स्थायी शक्ति की मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमा अनुभव बनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा और रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवन कर दिया है रक्ष, कुमार लाला केदारनाथ अग्रवाल को, को के के बहनों की शादी करता उनके विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पेनेकर चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खाशियों के गायत्री अग्रवाल भिन्न जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्रीकांत भी, भी लिखते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन रहस्यमय अग्रवाल है जिसका किरदार सहन कौर ने निभाया है साथ में ये प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षाबंधन ने पहले दिन एट पॉइंट टू जीरो करोड़ के सम्बंधन घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दूसरे दिन सिक्स पॉइंट फोर जीरो करोड़ की तीसरी तीसरे दिन 6.51 करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी एट करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इससे फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ के हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक ये समर्पित दर्शकों पर को आकर्षित करने की सम्मानजनक राजस्व उत्पन्न करने की सफल रही है परछाइयों डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों की लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगियरों की अच्छा चाहट के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोर्च कि झूले मुद्री तको के जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी उन पर रही। सारा और अथन एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथी उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से नहीं बरकर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चिकित्सा क्षेत्र तो में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसी ओर एक एथन ने एक सामान्य जीवन चुना और एक मैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद जुड़े रहने के तरीके खोजते हैं पत्र लिखते कहानियों साझा करते, करते हैं यात्रा में वापस आया जैसे जैसे वे एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था पहले तो वे झिझक रहे थे भाई बहनों के बीच एक रोमांटिक प्यार प्रेम का विचार वर्जित था एक अर्जित फल जिसे उन्होंने कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें गैर अवसरणी सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान रह गई उन्हें एथन से इस तरह प्यार करने की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन जब उसने उसके शब्दों को चुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी भावनाएं उसकी भावनाओं से मिलती जुलती थी मैं भी, भी तुमसे प्यार करता हूँ एथन उसने पुसपुस पुस ये कहा कि उसकी आवाज को मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया उनकी बस समझ नहीं पाए लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और लड़ने के लिए दिल थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की खिड़की छोड़ने के एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया बेदूर के शहर में गांव जहां वे नए के डर के बिना रह सकते थे जहां उन्होंने एक साथ एक नया जीवन बनाया जो प्यार हंसी और से भरा था उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि यह सबसे प्रत्याशा जगहों पर लिखी गई थी और उन्होंने की दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते बल्कि उन लोगों के बीच होते हैं जो दिल का करने परिवार दोस्ती और उसके उसके दोस्त अनुभवों और अवसरों के लिए खुले रखना थे अतिजा था लेखक तर्क दिया कि आप को लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगी पुस्तक से संदेश के प्रेरित होकर नए के अपने सप्ताहांतर के छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशाहित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब नए की गांव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घुगराले बाल और शारहारती मुस्कान वाले एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मयात की भावना से भर रही थी नायकी तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीड़ ने गलियों बजाना शुरू कर दिया न कि उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वो युवक के पास गई खुद को न्याय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वह एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर पब में प्रदर्शन करता था अगले सुबह दिनों में नह के अथन के एक साथ अनगिनत घंटे बिताए प्रवीण इलाकों को खोज की कहानियों साझा की और बस एक दूसरे की कंपनी का अंदर लिया उनका संबंध रिविवाद था एक चिंगारी जो उनके बीच तीव्रता से प्रज्वलित हुई थी दोनों एक आश्चर्य हुआ आत्मा ने खुद को एथन के लिए सिर से वहाँ पाँव

असहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक दोपहर तो जब न्याय की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो बीचारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के भरा था उसकी कोमल मुकान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्तता से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी अन्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था और उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बच्ची सुशी साझा सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है कि इसकी उसे तलाश थी हालांकि कि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उससे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकारी फोन कॉल आया उसका छोटा भाई एलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया ललट पलट हो गई अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची एलेक्स का ठीक होना एक लंबी और कठिन यात्रा थी जो अनिश्चितता और भय से भरी थी न कि उसने बिस्तर के पास अनगिनत घंटे बिताए उसका दिल चिंता से भरा रहा था इस दौरान एक अलावा और समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में नयकी मिलने गया उसके डर को सुना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है यह फिल्म परिवार के सदस्यों और किए गए टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा की दूल छू लेने वाली क्षणों और चुनौतियों से भरी छुई हुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत की सहित तो विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं भाई-बहनों द्वारा किए गए त्याग और प्रेम की स्थायी शक्ति की मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमा अनुभव बनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा और रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी कर दिया अक्षय कुमार लाला के पहले अग्रवाल को बहनों की शादी करता उनकी विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पे ने चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला के बहनों का किरदार निभाती है सदिया खाशियों के गायत्री अग्रवाल भिन्न जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्रीकांत भी लिखते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन अग्रवाल है जिसका किरदार कौर निभाया है साथ में यह प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षाबंधन ने पहले दिन एट पॉइंट टू जीरो करोड़ के सम्बन्धन घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दूसरे दिन सिक्स पॉइंट फोर जीरो करोड़ की तीसरे दिन 6.51 करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इस फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ के हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक यह समर्पित दर्शकों पर को आकर्षित करने की सम्मानजनक राजस्व उत्पन्न करने की सफल रही है। शिक्षित के हुए और रंग के से क्रीक के में लंबी हुए। डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों की एक और फिर से खिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगों की के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोर्च झूले जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी एथन ने ठकाया लगा और आप हमेशा कप्तान से दफन जंगलों की तलाश में समुद्री की करते हैं उन्होंने हंसी के पल साझा के उनकी बचपन की यादें एक गर्म लहर की तरह उन पर

की यात्रा की

उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था पहले तो वे झिझक रहे थे भाई-बहनों के बीच एक रोमांटिक प्यार प्रेम का विचार वर्जित था एक अर्जित फल जिसे उन्होंने कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई-बहनों के बंधन की गहरी जड़ों में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें गैर अविस सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान रह गई उन्हें एथन से इस तरह प्यार करने की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन जब उसने उसके शब्दों को चुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी उसकी भावनाओं से मिलती जुलती थी मैं भी, भी तुमसे प्यार करता हूँ एथन उसने पुष्पुस यह कहा कि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया उनकी बस समझ नहीं पाए लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और के लिए दिलों थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की छोड़ने के एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया बेक दूर के शहर में गांव जहां वे नए के डर के बिना रह सकते थे जहां उन्होंने एक साथ एक नया जीवन बनाया जो प्यार हंसी और से भरा था उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि ये सबसे प्रत्याशा जगह पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया की दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते बल्कि उन लोगों के बीच होते हैं जो दिल का गह संबंध साझा करने हैं परिवार दोस्ती और पेशेवर आकांक्षाओं के धोखे से बुना हुआ उसके दिल उसके बैस्कों करियर उनके सबसे अच्छे दोस्त के लिए थे अनुभवों और अवसरों के लिए खुले रखना थे अतीजा था लेखक ने तर्क दिया कि अप्रत्याशित को गले लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं तो जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगी पुस्तक से संदेश के प्रेरित होकर नए अपने सप्ताहांतर के छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब नए गांव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घंघराले बाल और शरारती मुस्कान वाले एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मियात की भावना से भर रही थी नायकी तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीर ने गलियों बजाना शुरू कर दिया कि उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वो युवक के पास गई खुद को न्याय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वो एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर पब में प्रदर्शन करता था अगले सुबह दिनों में नह के अथन के एक साथ अनगिनत घंटे बिताए प्रवीण विलाखों को खोज की कहानियों साझा की और बस एक दूसरे की कंपनी का अंदर लिया उनका संबंध विवाद था एक चिंगारी जो उनके बीच तीव्रता से प्रज्वलित हुई थी दोनों एक आश्चर्य हुआ आत्मा ने खुद को एथन के लिए सिर से वहाँ पाँव

कभी भी नहीं मिला कोई ऐसा जो उसे इतना जीवंत कर इतना प्यार महसूस कर सके से रोकने की संभावना तलाशने लगी रोमांटिक था और उसने जो कभी भी फैसले किया उसने किसका समर्थन करने का वादा किया जैसे जैसे नए अपने नए जीवन के बस्ती ले गई ये एहसास हुआ कि एथन के साथ उसकी मुलाकात असहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक दोपहर तो जब न्याय की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो की योगा हुआ था वो उसने उम्र के बड़ा था उसकी कोमल मुकाम ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्ताकता से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी न्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था और उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है कि तलाश थी हालांकि कि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उससे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकारी फोन कॉल आया उसका छोटा भाई अलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया ललट पलट हो गए अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची

टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा की दूर छू लेने वाली क्षणों और चुनौतियों से भरी छुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्बाओं की सहित विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं भाई बहनों द्वारा किए गए त्याग और प्रेम की स्थाई शक्ति की मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमाई अनुभव बनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा और रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवन कर दिया है अक्षय कुमार लाला अग्रवाल को को है जो एक समर्पित भाई के जो अपनी से किया वादा पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है खुद से पहले अपनी चार बहनों की शादी करता उनकी विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पर लेकर चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्र जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खासियों के गायत्री अग्रवाल भिन्नू जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्रीकांत के भी लिखते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन रहस्यमय अग्रवाल है जिसका किरदार सहन कौर निभाया है साथ में ये प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षा बंधन ने पहले दिन एट पॉइंट टू करोड़ की समझू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दूसरे दिन सिक्स पॉइंट करोड़ के तीसरे दिन सिक्स पॉइंट करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षा बंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंतत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इससे फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ का खा, हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक यह समर्पित दर्शकों पर को आकर्षित करने की सम्मान हुए सुनहरे और, रंग के से क्रीक के और में लंबी हुए। डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों की लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झोंगियारों की के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोरच कि झूले मुद्री तकों की जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी ठकाया लगा और आप हमेशा से दफन की में करते हैं उन्होंने के पल कि सारा और एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथी उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से नहीं बरकर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था ऐसे ऐसे बे बड़े होते हैं, उनके जीवन में अलग-अलग रास्ते लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसी ओर एक एक सामान्य जीवन चुना और एक वैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद भी हमेशा जुड़े रहने के तरीके खोजते हैं पत्र लिखते कहानियों साझा करते और जब भी संबंध आया जैसे भी एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था पहले तो वे झिझक रहे थे भाई बहनों के बीच एक रोमांटिक प्यार प्रेम का विचार वर्जित था एक अर्जित फल जिसे उन्होंने कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें अवसरणी सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान रह गई उन्हें एथन से इस तरह प्यार करने की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन जब उसने उसके शब्दों को चुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी भावना उसकी भावनाओं से मिलती जुलती थी मैं भी तुमसे प्यार करता हूं एथन उसने पुसपुस पुस यह कहा कि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया उनकी बस समझ नहीं पाए, लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और लड़ने के लिए दिल थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की छोड़ने के एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया बेदूर के शहर में गांव जहां जहां वे नए के के डर बिना रह सकते थे जहां उन्होंने एक साथ एक नया जीवन बनाया जो प्यार हंसी और से भरा था उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि यह सबसे प्रत्याशा जगह पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया की दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते हैं। बल्कि उन लोगों के बीच होते हैं जो दिल का गह संबंध साझा करने हैं परिवार दोस्ती और पसेवर आकांक्षाओं के धोखे से बुना हुआ उसके दिल उसके बेस्ट बैस्कों करियर उनके सबसे अच्छे दोस्त के लिए थे अनुभवों और अवसरों के लिए खुले रखना थे अतीजा था लेखक ने तर्क दिया कि अप्रत्याशित को गले लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं तो जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगे पुस्तक से संदेश के प्रेरित होकर नए के अपने सप्ताहांतर के छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशाहित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब नए की गांव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज़ सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घुंघराले बाल और शरारती एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मियात की भावना से भर रही थी नायकी तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीड़ ने गलियों बजाना शुरू कर दिया न कि उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वह युवक के पास गई खुद को न्याय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वह एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर पब में प्रदर्शन करता था अगले सुबह दिनों में नह के के एक साथ घंटे बिताए को खोज की कहानियों साझा की और बस एक दूसरे की कंपनी का अंदर लिया उनका संबंध विवाद था एक चिंगारी जो उनके बीच तीव्रता से प्रज्वलित हुई थी दोनों एक आश्चर्य हुआ आत्मा ने खुद को एथन के लिए सिर से वहा प

कभी भी नहीं मिला कोई ऐसा जो उसे इतना जीवंत कर इतना प्यार महसूस कर सके उद्देश्यों की एक से रोकने की संभावना तलाशने लगी रोमांटिक था और उसने जो कभी भी फैसले किया उसने किसका समर्थन करने का वादा किया जैसे जैसे नए अपने नए जीवन के बस्ती ले गई ये एहसास हुआ कि एथन के साथ उसकी मुलाकात सहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक दोपहर तो जब नए की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो बिजारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के भरा था उसकी कोमल मुकान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्ताकता से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी अन्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था और उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत साझा सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है कि इसकी उसे तलाश थी हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उससे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक बिनाश फोन कॉल आया उसका छोटा भाई अलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया गलट गलट हो अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची और समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में न्याय की मिलने गया उसके डर को सुना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है यह फिल्म परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा के दूर छू लेने वाली क्षणों और चुनौतियों से भरी हुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्बाओं की सहित विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों की जटिलता भाई बहनों द्वारा किए कि गए त्याग और प्रेम की स्थायी शक्ति की मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमा अनुभव बनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवन कर दिया है रक्ष। कुमार लाला केदारनाथ अग्रवाल को को है जो एक है। समर्पित भाई के जो अपनी से किया वादा पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है खुद से पहले अपनी चार बहनों की शादी करता उनके विपरीत सपनों गुप्तों के रूप में भूमि पे ने चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्र जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खासियों के गायत्री अग्रवाल भिन्नू जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्री श्रीकांत भी लिखते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों की समूह की सबसे छोटी बहन रहस्यमय अग्रवाल है जिसका किरदार सहन कौर ने निभाया है साथ में ये प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षा बंधन ने पहले दिन एट करोड़ के सम्मानजनक घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दूसरे दिन सिक्स पॉइंट करोड़ की तीसरे दिन सिक्स पॉइंट करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप ट्वेंटी करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संग्रह किया है अगले हफ्तों में रक्षा बंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्शी में 8.76 करोड़ की कमाई की इससे फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ का खा, हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक ये समर्पित दर्शकों बल को आकर्षित करने की सम्मानजनक राजस्व उत्पन्न करने की सफल रही है परछाइयों डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों के लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगियरों की अच्छा चाहट के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोर्च कि झूले मुद्री तकों जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी ठकाया लगा और आप हमेशा से दफन की में की करते उन्होंने के पल उन्हों की की एक गर्म लहर की तरह उन पर सारा और अथन एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथी उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से नहीं बरकर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था बड़े होते हैं उनके जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसी ओर एक ने एक सामूहिक जीवन चुना और एक वैंगोजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद भी हमेशा जुड़े रहने के तरीके खोजते हैं, से लिखते कहानियों साझा करते और जब भी करते हैं। उनका उनके जीवन में एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें गैर अफसरों सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान से, तो कि उसकी उसकी से मिलती जुलती थी मैं भी, भी तुमसे प्यार करता हूँ उसने पुष्पुस ये कहा कि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया नो बस समझ नहीं पाए लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और लड़ने के लिए दिल थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की छोड़ने की एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया वे एक कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि ये सबसे प्रत्याशा जगह पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया की दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते करने हैं। दोस्ती और के से बुना हुआ उसके उसके अनुभवों और अवसरों के लिए खुले रखना थे था लेखक तर्क दिया कि आप को गले लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगी। पुस्तक से संदेश के प्रेरित होकर नए के अपने सप्ताहांतर के छुट्टी की खुले दिमाग और प्रत्याशाहित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब नए की गांव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज़ सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज़ का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक भरी एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घुंघराले बाल और शरारती मुस्कान वाले एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मयाद की भावना से भर रही थी नायकी तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीर ने गलियों न्याय की उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वो युवक के पास गई खुद को न्याय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वो एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर पब में प्रदर्शन करता था अगले सुबह दिनों में अथन के एक साथ घंटे बिताए को खोज की कहानियों साझा की और बस एक दूसरे की कंपनी का अंदर लिया उनका संबंध विवाद था एक चिंगारी जो उनके बीच तीव्रता से प्रज्वलित हुई थी दोनों एक आश्चर्य हुआ आत्मा ने खुद को एथन के लिए सिर से वहा प

सहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक दोपहर तो जब की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो बीचारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के बड़ा था उसकी कोमल मुकान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्ताकता से आत्मा उनके एथन ने उसकी कुछ जिसकी अन्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत साझा सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे से उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है कि इसकी उसे तलाश थी हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उसे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विजांसकारी फोन कॉल आया उसका छोटा भाई एलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया के पास अस्पताल पहुंची अलेक्स का होना एक और कठिन एक अलादा और समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में न्याय की मिलने गया उसके डर को सुना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया प्रेम विवाह और पारिवारिक परंपराओं की जटिलताओं से जूझता है यह फिल्म परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए टैक्स शिक्षा और शक्तिशालियों के महत्व और भाई बहनों की जोड़ने वाले स्थायी बंधन पर आधारित है लाला की यात्रा की दुल छू लेने वाले क्षणों और चुनौतियों से भरी हुई है क्योंकि वो अपनी बहनों के बेहतर भविष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं इस दौरान उसे वित्तीय बाधाओं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत दुर्बिधाओं की सहित विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों की जटिलता भाई बहनों द्वारा किए गए त्याग और प्रेम की स्थायी शक्ति की मार्मिक खोज प्रस्तुत करते हैं फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय उसे एक यादगार और भावनात्मक रूप से सजने वाला सिनेमा अनुभव बनाते हैं दिल को छू लेने वाला पारिवारिक ड्रामा और रक्षाबंधन को प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी जीवन कर दिया है अक्षय कुमार लाला केदारनाथ अग्रवाल को, को के के बहनों की शादी करता उनके विपरीत सपनों गुप्त के रूप में भूमि पेटने चमकती है जो लाला के दिल जीत लेता है इस केंद्रों जोड़ी का समर्थन अभिनेताओं करती है जो लाला की बहनों का किरदार निभाती है सदिया खाशियों के गायत्री अग्रवाल भिन्नों जान की फूक दी है उनकी दीपिका खन्ना की दुर्गा अग्रवाल की किरदार निभा है हम लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा के रूप में श्री श्रीकांत के भी लिखते हैं जो लाल की एक बहुत ही जिसने प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व तो और सपने हैं भाई बहनों के समूह की सबसे छोटी बहन अग्रवाल है जिसका किरदार कौर निभाया है साथ में यह प्रतिभाशाली कलाकार पारिवारिक गतिशीलता की जटिलता और भाई बहनों की बीच प्यार के स्थायी बंधन को दर्शाते हैं रक्षाबंधन ने पहले दिन एट पॉइंट टू जीरो करोड़ के समंधनों घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ शुरुआत की जो दर्शकों की शुरुआती दिलचस्पी दर्शाते हैं फिल्म ने अगले दिन की कुछ भी दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा दूसरे दिन सिक्स पॉइंट फोर जीरो करोड़ की दिन 6.51 करोड़ की कमाई की इस स्थिर प्रदर्शन की परिमाण स्वरूप 28.16 करोड़ का मजबूत घरेलू संस्थान संकलो किया है अगले हफ्तों में रक्षाबंधन ने अपना थिएटर प्रदर्शन जारी रखा अंतत भारत में कुल 52.82 करोड़ की प्रदर्श में 8.76 करोड़ की कमाई की इस फिल्म का दुनिया भर में सकल संग्रह 61.58 करोड़ का हालांकि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन शुरुआती उम्मीदों कम रहा फिर भी एक ये समर्पित दर्शकों पर सम्मानजनक राजस्व उत्पन्न करने की सफल रही है परछाई डाली सारा और एथन खून और अटूट बंधन से बंधे भाई बहन चर्चों के लिए एक और फिर से हिलने की जंगली फूलों की मीठी खुशबू और दूसरे से आती झुंगियरों की चा के भरी हुई थी याद है कि वो हम इस चोर्च कि झूले और मुद्री तकों के जहाज बांधे थे सारा ने पूछा उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी लगा और आप हमेशा कप्तान से दफन की की तलाश में करते हैं उन्होंने हंसी के पल साझा उनकी बचपन की यादें एक गर्म लहर की तरह उन पर हब रही सारा और अथन एक साथ बड़े हुए थे अच्छे और बुरे समय के जो साथी उनका बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार से नहीं बरकर था यह एक गहरा संबंध था जो शब्दों से पड़े था से से बड़े होते हैं उनके जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अटूट रहा सारा ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाया और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया उसी ओर एक एक सामान्य जीवन चुना और एक वैंगजित फोटोग्राफर के रूप में दुनिया का एक यात्रा की दूरी के बावजूद वे हमेशा जुड़े रहने के तरीके खोजते हैं पत्र लिखते कहानियों साझा करते और जब भी संबंध करते समर्थन का स्रोत एक गर्मियों में एतन के एक यात्रा में वापस आया जैसे जैसे वे एक साथ समय बिताते अपने पुराने दोस्तों के फिर से जुड़ने और परिचित सड़कों को खोज करने उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके सामने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक ऐसा प्यार जिसने उनकी समझ को चुनौती दी क्या समझ था पहले तो वे झिझक रहे थे भाई बहनों के बीच एक रोमांटिक प्यार प्रेम का विचार वर्जित था एक अर्जित फल जिसे उन्होंने कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं मजबूत होती उन्होंने एहसास हुआ कि उनका प्यार शुद्ध और सच्चा था एक ऐसा प्यार जो उनके भाई बहनों के बंधन की गहरी जोड़ में खेल उठा था उसके लिए उन्होंने उनका रहस्य को छिपा रहा उन्होंने डर था कि उन्हें अफसर सामना का करना पड़ता है लेकिन उनके रहस्यों का भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया था एक शाम जब वे पोज की झुलू पर बैठे थे एथन ने आखिरकार अपने भावनाओं का कबूल किया सारा हैरान रह गई उन्हें एथन से इस तरह प्यार करने की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन जब उसने उसके शब्दों को चुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी भावनाएं उसकी भावनाओं से मिलती जुलती थी मैं भी, भी तुमसे प्यार करता हूँ एथन उसने पुसपुस पुस यह कहा कि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी उनका रहस्य सामने आ गया था गांव वाले हैरान रह गया था कि कुछ ने उन्हें पापी करार दिया उनकी बस समझ नहीं पाए लेकिन सारा और अथन अपने प्यार के लिए और लड़ने के लिए दिल थे वे जानते थे कि उनका बंधन खास था एक ऐसा प्यार जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था और उसके लिए वो दोस्तों के समर्थन से उन्होंने बिल्ली की खिड़की छोड़ने के एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया दूर के में जहां के लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने अलग तरह से प्यार करने की हिम्मत की उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि यह सबसे प्रत्याशायित जगह पर लिखी गई थी और उन्होंने दुनिया की दिखावा सबसे मजबूत बंधन हमेशा प्रेमियों के बीच नहीं होते हैं। बल्कि उन लोगों के बीच होते हैं जो दिल का गहरा संबंध साझा करने हैं परिवार दोस्ती और पेशेवर आकांक्षाओं के धोखे से बना हुआ उसके दिल उसके बेस्ट को करियर उनके सबसे अच्छे दोस्त के लिए थे अनुभवों और, और अवसरों के लिए खुले रखना थे भतीजा तो था लेखक तर्क दिया कि अप्रतिशाहित को गले लगाते से कोई व्यक्ति छिपे हुए खजानों और रास्तों की खोज कर सकते हैं तो जो उसे अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाएंगे पुस्तक से संदेश के प्रेरित होकर नए के अपने सप्ताहांतर के छुट्टी की खुले दिमाग और अप्रतिशाहित को गले लगाने की इच्छा के साथ तय किया है एक शाम जब नए की गाँव से टहल रही थी तो अपने पास के पद से मिटार की आवाज़ सुनी जिज्ञासा से भरपूर उसने आवाज का पीछा किया और खुद को मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया घुंघराले बाल और मुस्कान वाले एक युवक अपने गिटार को बजा रहे थे और एक भावपूर्ण धुन जगा रहे थे उनकी और उनकी आत्मयाद की भावना से भर रही थी नायकी तुरंत उसके संगीत और उसके चुंबकीय परिस्थितियों के मोहित हो गई जैसे ही उसने अपनी गाना समाप्त किया भीर ने गलियो बजाना शुरू कर दिया न कि उसने शामिल हो गई उसका दिल एक अपरिचित उत्साह से भर रहा था प्रदर्शन के बाद वह युवक के पास गई खुद को न्याय के रूप में पेश किया और उसकी प्रतिभा से लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की उनका नाम एथन था और वह एक स्थानीय संगीतकार था जो अक्सर पब में प्रदर्शन करता था अगले सुबह दिनों में नह के एक साथ घंटे बिताए को खोज की कहानियों साझा की और बस एक दूसरे की कंपनी का अंदर लिया उनका संबंध विवाद था एक चिंगारी जो उनके बीच तीव्रता से प्रज्वलित हुई थी दोनों एक आश्चर्य हुआ आत्मा ने खुद को एथन के लिए सिर से वहाँ पाओ

कभी भी नहीं मिला कोई ऐसा जो उसे इतना जीवंत कर इतना प्यार महसूस कर सके से रोकने की संभावना तलाशने लगी रोमांटिक था और उसने जो कभी भी फैसले किया समर्थन करने का वादा किया जैसे जैसे नए अपने नए जीवन के बस्ती रह गई इसे एहसास हुआ की एथन के साथ उसकी मुलाकात सहज का एक संयोग हुई मुलाकात से कहीं बढ़कर थी अप्रत्याशित घटना थी जिसने उसे एक ऐसी रास्ते पर ले जाया जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की थी उसने सबसे अप्रत्याशित जहाँ के प्यार खुशी और अपनापन की भावना पाई थी शरद ऋतु की एक दोपहर तो जब न्याय की सेंट्रल पार्क में हटल रही थी उसकी नजर एक बेंच पर बैठते आदमी पर पड़ी जो बीचारों की योगा हुआ था वो उसने उम्र के भरा था उसकी कोमल मुकान ठंडी हवा को गर्म कर रही थी उत्ताकता से आत्मा उनके अथन ने उसकी कुछ जिसकी अन्याय को एक साथी में उम्मीद की वो बुद्धिमान दयालु था उसके पास हादसों की भावना थी जो पूरी तरह से उनके साथ मेल खाती है उनकी बातचीत सपनों की एक दूसरे की इच्छाओं के गहरी समझ से भरी हुई थी जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया न्याय की उम्मीद होने लगी कि वो प्यार हो सकता है किसकी उसे तलाश थी हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था उसे जैसे रिश्ता पवन रहा था न्याय को एक विनाशकारी फोन कॉल आया उसका छोटा भाई एलेक्स एक कार का दुर्घटना शामिल था और उसकी गलत गंभीर था न्याय की दुनिया उलट पलट हो गए अपने भाई के पास अस्पताल पहुंची का ठीक होना एक लंबी और कठिन यात्रा थी जो और अभाव से भरी थी न कि उसने बिस्तर के पास अनगिनत घंटे बिताए, उसका दिल चिंता से पड़ा रहा था इस दौरान एक अलादा और समर्थन का स्रोत पाया एक अस्पताल में न्याय की मिलने गया उसके डर को सुना और सांत्वना और सांत्वना के रूप में पाया